मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को गरीबों को मुफ्त राशन दिए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 81 करोड़ से अधिक गरीबों को एक साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। बता दें, ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये फैसला आने के बाद केंद्र सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसे सरकार खुद उठाएगी। वही मामले में बात करते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि NFSA के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा। वहीं से पहले केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर में सरकार ने इस योजना की समय सीमा को 3 महीने के लिए यानी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। कोविड के समय गरीब लोगों को राशन पहुंचाने के लिए ये योजना लाई गई थी। बीते 28 महीने में सरकार ने गरीबों के मुफ्त राशन पर 1.80 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गौरतलब है कि पीएम गरीब कल्याण योजना को मार्च 2020 में कोविड संकट के दौरान लागू किया गया था। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता है। इसके तहत BPL कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। खास बात यह है कि बीते कई महीनों से इस योजना को सरकार की ओर से लगातार बढ़ाया जाता रहा है। इस योजना को सबसे पहले मार्च 2020 में पहले चरण 3 महीने यानी अप्रैल जून 2020 के लिए पहले चरण में लागू किया गया था। अब तक इस स्कीम के 7 चरण पूरे हो चुके हैं। मार्च 2022 में इसे 6 महीने के लिए यानी सितंबर तक बढ़ाया गया, उसके बाद 3 महीनों के लिए यानी दिसंबर तक, और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।